हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल समायरा एंड मायरा। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और यहाँ पे हमारा वाइजे का जो लास्ट डे था, हम घर पैक करने के बाद यहाँ पे समायरा को पिकअप करने आए थे पार्क से कि वो अपने फ्रेंड्स को लास्ट बाय बोल दें और हम भी सबको बाय बोल दें। तो यहाँ पे वही चल रहा है, समायरा को लेके जाएंगे, उसके फ्रेंड्स को बाय करके जाएंगे। इस पार्क में बहुत अच्छी मेमोरीज रही हैं, समायरा के बहुत सारे फ्रेंड्स रहे हैं तो ये बहुत मिस करेंगे। और ये है मेरा घर जिसको मैं डेफिनेटली बहुत मिस करने वाली हूँ। हम सब लोग बहुत मिस करने वाले हैं क्योंकि बहुत प्यार से आपके सामने ही मैंने इसको सजाया था। पूरा डेकोरेट भी नहीं कर पाए थे कि उससे पहले लाइफ ने ये झटका दे दिया, पर क्या कर सकते हैं ना, लाइफ है, चलती रहनी है, आगे चलेंगे, कुछ नया मिलेगा। पर इस घर को डेफिनेटली मिस करने वाली हूँ। खाली हो गया है, अच्छे से क्लीन वगैरह करवा दिया था कि कुछ लोग नए आएंगे वो अच्छे से अपना आसियाना, अपना घर बसा पाएँ यहाँ पे। तो यहाँ पे कर दिया है लोग और लास्ट बाय टू दिस ब्यूटीफुल होम एंड रियली मिस दिस एंड आई डोंट नो क्या बोलूँ। अभी बस सामान रखने की कोशिश कर रहे थे, सामान बहुत ज़्यादा हो गया था क्योंकि बहुत सारा सामान वैसे भेज दिया। कुछ सामान हमें ज़रूरत है इनिशियली, जब तक हमारा लगेज नहीं पहुँचेगा, जब तक हमारा परमानेंट ड्यूटी वाला जो ट्रांसफ़र का सामान है वो नहीं आएगा, तब तक जो सामान हमें ज़रूरत होगी वो दूसरे। मैंने अपने प्लांट्स भी पैक किए हैं और कैसे पैक किए हैं और फ्लाइट में कैसे जाएंगे वो मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के दिखाऊंगी। गाड़ी में भैया बहुत परेशान, बिल्कुल एकदम उन्होंने पूरा बैगेज सारा भर डाला है। चिकू बाय 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 टू दिस ब्यूटीफुल हाउस। ओके टर्न फ्री, हाँ बाय बाय अंटिल वी सी यू अगेन। यस यस बाय बैम्बू ट्रीज। चलो ice in my veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game. और यहाँ पे हम पहुँच गए थे वाइजैक एयरपोर्ट पे एंड सामान सच में बहुत ज़्यादा था, तो हमने दो ट्रॉली ली और जैसे तैसे एडजस्ट करने की कोशिश की। और यहाँ पे समायरा थोड़ा सा गुस्सा हो रही है कि मायरा को ऊपर बैठने का मौका मिलता है मुझे नहीं, क्योंकि अभी वो बड़ी हो गई। मैं उसको वही समझाने की कोशिश करूँ, बेटा आप अभी बड़े हो गए हो, तो मायरा बैठी वहाँ पर, एक ट्रॉली ला के हैंडल करेंगे और एक मैं, क्योंकि सामान सच में बहुत ज़्यादा हो गया था। पर जैसे तैसे करके हमने मैनेज कर लिया एंड यहाँ पर ये देखिए बाय बाय वाइजैक, मतलब वाइजैक का ये ऊपर का व्यू तो अच्छा नहीं लग रहा था वाइजैक को छोड़ के जाना, पर ठीक है चलता है। और ये है हमारा इन फ्लाइट खाना, जो लंच उन्होंने सर्व किया बहुत ही अच्छा था। ये सैलेड था चने का, उसके साथ क्योंकि लंच था ना तो प्रॉपर मील उन्होंने सर्व की थी। मीठे में चॉकलेट थी, यहाँ पे पनीर राइस एंड दिस कॉर्न और पालक की सब्जी, प्लस में पराठे, प्लस दही और पानी, एंड लास्ट में वो टी कॉफ़ी सर्व करते हैं वो था। तो बहुत अच्छा खाना था। और ये क्यों खुल रहा है, क्यों खुल रहा है? आई माही माही, हाय हाय, प्लेइंग विद पापा, प्लेइंग विद पापा। सो यस, हमारा ट्रांसफ़र आया है दिल्ली और ये देखिए हम दिल्ली लैंड करने वाले हैं। पापा की जब रिक्वायरमेंट थी तब हमने दिल्ली मांगा था और हमें लकीली वो ट्रांसफ़र मिल गया है, तो राकेश का ट्रांसफ़र अभी दिल्ली है। सो दैट शायद हम घर की चीज़ें थोड़ी बहुत मैनेज कर पाएँ, घर को संभाल पाएँ। और ये है दिल्ली का एयरपोर्ट, आप लोगों ने देखा ही होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा है। यहाँ पर बहुत सारे ये पोस्टर बने हुए हैं, हमारा हमेशा ट्राई करते हैं ये पोस्टर बनाने का, तो ये देखिए वो बनाने की कोशिश कर रही है, बन रहा है नहीं बन रहा है, कौन कौन से पोस्चर हैं, हैंड मुद्राएं जो बनी हुई हैं वहाँ पे वो सब। तो अभी दिल्ली ट्रांसफ़र आ गया है, घर का कुछ अता पता नहीं है, देखते हैं कितने दिनों में मिलता है। बच्ची का एडमिशन, घर, सब कुछ थोड़ी बहुत टेंशन है, पर ठीक है करेंगे, वो भी करेंगे। एंड सबसे बड़ा है पापा घर संभालते थे, वो भी हम पे आ गया है, वो भी करेंगे। हम निकल लिया अभी घर की तरफ और शायद हम रात को पहुंच जाएंगे डिनर टाइम तक घर, और उसके बाद आगे का जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अभी तक की वीडियोस कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। अगर मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।